गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है सुशील माहेश्वरी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल SM फार्मासिस्ट पर। ठीक है, तो बेसिकली मिकोफोर प्लस एक इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, जो कि काफ़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। और इसकी जो MRP है, रेट है, प्राइस है, वो है 208 रुपये के 10 कैप्सूल। ठीक है, 20 रुपये का एक कैप्सूल। तो बात करते हैं कि हम डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं और इसको खाने से हमें किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है और हमें इसकी डोजेस कैसी लेनी चाहिए, हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए खाने से पहले या खाने के बाद, मैं सभी जानकारी दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मिकोफोल बेसिकली आमतौर पर विटामिन B12 की कमी, एनीमिया की कमी, ठीक है, या हाथ पैरों में जकड़न सी आने लग जाती है ना। मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताऊं कि कभी कभी क्या होता है, हम बैठे बैठे हाथ पैरों एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पैर पे पैर रख के बैठ गए 10-15-20 मिनट तक, तो क्या होता है वो एकदम सुन्न होने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना नस पे नस चढ़ना हमारे गाँव की लैंग्वेज में, तो वही चीज़ होती है। उन चीज़ों की दिक्कत को ठीक करने के लिए मिकोफोल प्लस प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जिससे कि खून नसों के अंदर खून का दौरा बेहतर हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंटेंट जो है, इसमें सॉल्ट इन कॉम्बिनेशन, मिथाइल कोलामिन, अल्फा लुपिक एसिड, पारिडॉक्सिन, ठीक है, फॉलिक एसिड, ये चीज़ है। मैं आपको बता दूँ मिथाइल कोलामिन क्या काम करता है। मिथाइल कोलामिन बेसिकली जो काम उसका है, पूरे ब्रेन नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसको बेहतर करता है, इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वहीं पे अल्फा लुपिक एसिड का काम जो होता है वो है एंटीऑक्सीडेंट। हमारी नस जो होती है, वेंस जो होती है, उन पे तनाव मतलब दबाव इन प्रेशर जो पड़ता है उसको ठीक करता है, मतलब प्रेशर पड़ने नहीं देता है बेसिकली। ठीक है, वहीं पे फॉलिक एसिड का काम जो होता है कि हमारे अंदर खून की कमी, जैसे एनीमिया हो जाता है ना, उससे हमें बचाता है। ठीक है, पारिडॉक्सिन जो करता है वो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको प्रमोट करता है, मतलब बेहतर और बेहतर होने में। ठीक है, तो इसके ये वर्क होते हैं। हमें अब इसको लेना कैसे चाहिए, इसकी डोजेस क्या होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अगर इसका यूज़ करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही आप इसका यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप इसको लेना शुरू कर दें, अपने डॉक्टर से मिलें, उनको अपनी दिक्कत बताएं, फिर इसको लेना शुरू करें। ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो डोज होनी चाहिए बेसिकली, ये इसको खाना खाने के बाद इवनिंग में लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।